यही तो ब्यूटी ऑफ नेचर है जिसको एंजॉय करने हम एक्चुअली इतनी बड़ी रोड ट्रिप पे निकले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजायर ट्रैवल। कैसे हैं आप लोग? आज है एक नए दिन की शुरुआत, मौसम हो रहा है बहुत ही अमेजिंग और हम आ गए हैं अगोंडा बीच घूमने के लिए। आज के हमारे प्लान में है कि हम यहाँ के दो तीन बीचेस कवर करेंगे जो कि थोड़े फेमस हैं, स्पेशली दो बीचेस जो कि है अगोंडा और पैललम। क्योंकि अगर आप साउथ गोवा आ रहे हैं तो ये दो जगह तो आप ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। और अगोंडा भी बहुत अच्छा है, अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये है कि मोस्टली जो कैफ़ेज़ और पार्टीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा जहाँ होती हैं वो पैललम में होती हैं। अगोंडा थोड़ा सा ज़्यादा पीसफुल है एज़ कम्पेयर टू पैललम। तो अभी हम पहले तो हम चलते हैं और आपको अगोंडा बीच दिखाते हैं। जो भी आता है ना एक्चुअली गोवा की ट्रिप पे, वो एटलीस्ट अगोंडा और पैललम तो जाता ही है। अगोंडा तो एक बार को बंदा अगर मिस भी कर दे, लेकिन पैललम तो जाता ही जाता है। और हम भी पैललम मिस नहीं करना चाहते थे, ऑल्दो हम मॉनसून्स में हैं, तो मॉनसून्स में कई बार कई जगहें बहुत सी शैक्स बंद रहती हैं। हमने सुना है अगोंडा पे भी चीज़ें शायद सारी ओपन नहीं है, वो तो अभी हम जा रहे हैं, देख के पता चलेगा। गाड़ी हमारी पार्क हो चुकी है पीछे, हवा बहुत अच्छी लग रही है, आपको मुझे देख के पता चल रहा होगा, और हमें बड़े ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज पानी की आवाज़ आ रही है। हमें नहीं पता आपको आ रही है या नहीं, बट हमें आ रही है। ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, जब से हमने गाड़ी पार्क करी है ये हमारे साथ ही साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन पिछली बंद बार नहीं तो है, ये ओपन है, यहाँ से जाना है, यहाँ से ये बता रही थी। यहाँ पे जो आंटी है ना, जो पार्किंग के लिए 100 रुपीज़ देना होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आंटी है वो हमें बता रही थी कि एक्चुअली जो ये खुला रहता है, बट ये मॉनसून्स में शायद गिर गया था तो इन्होंने इसको अभी कवर कर दिया है, और ऑलमोस्ट टूरिस्ट यहाँ पे कम है तो अभी ये बना नहीं है, बट ये बन जाएगा। चलते हैं। ओहो, इट सीम्स वी हैव द एंटायर बीच टू आवरसेल्व्स। पूरा हमारा अगोंडा बीच पूरा प्राइवेट बीच हो रखा है इस समय, क्योंकि इस हमारे लोग के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 3-4 लोग और हैं बस, वो भी मुझे यहाँ के लोकल ही लग रहे हैं। बट बहुत अच्छा है ये, हम दिखाते हैं आपको बीच घूमने के लिए आए हैं। बीच बढ़िया है। चलो आओ पानी में चले आओ। नहीं आ रहा भाई, हो नहीं आ रहा तुम्हारे पास? नहीं आओगे? कोई नहीं, हम आते हैं अभी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है ये, और मज़ा आ रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिफाइन करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई और है नहीं हमारे अलावा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम खूब सारी यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस क्लिक करा रहे हैं आराम से, और हमें मज़ा आ रही है। पानी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये जो सैंड है ना ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसमें ना चलने में भी मज़ा आ रही है, क्योंकि हम बहुत से बीचेस गए हैं और सैंड जो है ना वो हमेशा इतनी सॉफ्ट नहीं होती है। मेरे को लगता है ये साउथ इंडिया साइड ना थोड़ा सा बीचेस इतने ज़्यादा होने की वजह से ये सैंड वैंड ना काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि हमारी ट्रिप तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, हम तो अभी जा रहे हैं राम सेतु तक जैसा हमारा प्लान है, और स्टॉपेजेस बीच में क्या क्या है ये तो हमें पता नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बीच जाती हूँ ना, हर बीच अपने आप में ना कुछ नया लेके आता है, और यही तो ब्यूटी ऑफ नेचर है जिसको इंजॉय करने हम एक्चुअली इतनी बड़ी रोड ट्रिप पर निकले हैं। गिर ना जाऊं मैं। तो भाई हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारा टाइम एंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब तो थोड़े बहुत लोग भी आ गए हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर की तरफ, तो बढ़िया था, काफ़ी अच्छा बीच है, बहुत ही साफ़ सुथरा, एकदम सॉफ्ट सैंड बीच।
और हाँ इस समय तो खैर शेक्स यहाँ पे है नहीं, ये देखिए जैसे कि ये भी है, ये सब इस तरीके से बंद ही है, कोई भी ओपन नहीं है। ये अगल बगल जितने भी आप देख रहे हैं इधर की साइड भी, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये सारे वैसे शेक्स होते हैं बट इस समय यहाँ पे सारे बंद है। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पैलेलम, पैलेलम, और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है। यहीं से आए थे ना? हाँ यहीं से आए थे भाई। डंडा उठाओ ना थोड़ा सा। और क्योंकि अभी मॉनसून है इस वजह से ही यहाँ पे ये भी जो आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है, ये मॉनसून की वजह से ही लगाते हैं, वैसे यूजुअली खुला रहता है। आजकल जो है थोड़ी बारिश कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से बारिश होती है। इस समय भी अभी धूप तो निकली हुई है बट बादल आ चुके हैं भाई, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। ये सामने पार्किंग एरिया है जहाँ पे 100 रुपीज़ लेते हैं ये गाड़ी पार्क करने के, बट आज हमसे लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। हो स्ट्रीट ये लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको अभी गाड़ी से जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दिखाऊंगा कि कैसी सी स्ट्रीट है ये। आपको मतलब अगर आप यहाँ पे आते तो आपको पैदल चलने में भी बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे आसपास ना एरिया में। और यहाँ पे एक चर्च भी है जो भी हम आपको एक ग्लिम्प्स दिखाएंगे कि कैसा है। फिलहाल चलते हैं अब पैलेलम और रास्ते में आप लोग को दिखाते हैं। अभी हमारे को पार्किंग वाली आंटी मिल गई थी तो हमारे लोग को 100 रुपीज़ का चार्ज लगा, तो उन्होंने हमारे को बताया कि ये सिर्फ बारिशों में मई जून जुलाई बंद रहता है, बाकी टाइम खुला रहता है। तो ये बोल रही थी कि सितंबर से फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो बढ़िया है, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वैसे। पतली पतली सी लेन्स, एकदम गोवा वाली वाइब तो है ही है, लेकिन गोवा मतलब साउथ गोवा वाला जो है ना यहाँ पे एसेंस, वो ज़बरदस्त तरीके से एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। अभी बस यहाँ पे आगे एक चर्च आ रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा सा है, काफ़ी फेमस है ये चर्च। अगोंडा से पैलेलम का डिस्टेंस जो है ये ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स का ही है, और यहाँ की रोड्स जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। हम इस वक्त अगोंडा में रह रहे हैं तो हम पहले अगोंडा बीच गए और हम नेक्स्ट पैलेलम जा रहे हैं, क्योंकि पैलेलम में काफ़ी सारे शैक्स ओपन रहते हैं तो हमें पता है कि हम वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगोंडा में भी हमने जितना टाइम सोचा था उससे ज़्यादा ही स्पेंड किया है, क्योंकि हमारे को ही था सारा बीच और बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छी धूप थी, तो बहुत सारा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया है। बट पैलेलम का भी व्यू ना बहुत ही अमेजिंग है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों में से कोई भी बीच मिस करने लायक नहीं है। जब आप लोग अगोंडा से पैलेलम की तरफ जा रहे होंगे, अगर आप लोग आते हैं कभी इधर, पैलेलम से अगोंडा आते हैं, अगोंडा से पैलेलम जाते हैं, तो बटरफ्लाई बीच का जो ट्रैक होता है वो भी आपको रास्ते में ही पड़ेगा, बीच में ही पड़ेगा। तो अगर बाय एनी चांस आपको बोट नहीं मिलती है कुछ है, या आपका प्लान बनता है कि आपको बटरफ्लाई बीच भी जाना है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस बीच है यहाँ का, तो आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं और उसका रास्ता आपको रास्ते में ही पड़ेगा। यहाँ से वैसे है कितना अगोंडा से पैलेलम, कितने किलोमीटर है यहाँ से? ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर है, 10-15 मिनट्स का ही टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई गाड़ी हमने पार्क कर दी है पैलेलम बीच पे। यहाँ पे 130 रुपीज़ का चार्ज था ना? 130। हाँ 130 रुपीज़ का चार्ज है, बढ़िया। लेकिन बढ़िया बात यह है कि एकदम पैलेलम बीच पे ही होता है, ये देखिए एकदम यहाँ पे ही है ये पार्किंग है और इधर बीच है, तो ये चीज़ अच्छी है। ओ फिश, हाँ मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं यहाँ पे तो। बहुत सारी वो भी। मछली पकड़ के खाएं क्या आज? कच्ची ना खा लेना तुम तो। कच्ची नहीं, पका के खाएंगे। भाई गजब, ज्यादा मछलियां नहीं है, ठीक ठाक लेकर आए हैं। ये कितनी सारी मछली, कौन सी मछली है ये? सारदी। सारदी कहाँ, वेजिटेरियन लोग हम। इतना ब्यूटीफुल व्यू, इतना बढ़िया बीच और मछली। क्या सेंस है ये बताओ, हमारे जैसे वेजिटेरियंस के लिए। ये है पैलेलम बीच, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और यहाँ की सैंड तो वहां से भी ज्यादा सॉफ्ट है।
ये बीच वैसे मेरे को सबसे ज्यादा सेफ लग रहा है, ऐसा नहाने वहाने के लिए सबसे ज्यादा सेफ लग रहा है भी, और अगर किसी को नहाना वगैरह होता है ना जैसे पानी में जाना है तो ये बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी हैं, क्योंकि हमने देखा पार्किंग के पास। तो अगर आप आते हैं और आप थोड़ा पानी में इंजॉय करना चाहते हैं, मानसून में तो लोग रेयरली करते हैं, हमने तो वाटरफॉल में किया था, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, इसलिए हम इधर तो पानी में नहीं जा रहे हैं, और आगे बहुत बीचेस पड़ेंगे जहां हमें मौका लगेगा पानी में जाने का। बट अगर आप जाते हैं तो आप यहां पे चेंजिंग रूम है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज सबसे बड़ा इशू होता है कि नहा तो लिया, अब कपड़े कहाँ चेंज करें। तो बहुत कम बीचेस हमने गोवा में देखे, नॉर्थ गोवा में तो मेरे को रेयरली कोई बीच दिखाते हैं एक्सेप्ट फॉर आरंबोल, सिर्फ आरंबोल में ही था चेंजिंग रूम, बाकी कहीं भी नहीं था। आरंबोल में वहाँ पे गवर्नमेंट का चेंजिंग रूम था, जो कि काफी अच्छी चीज है, वो आप आगे देखिएगा हमारी वीडियो में। हाँ, वो आपको हम दिखाएंगे, वो भी नॉर्थ का, वो आपको बाद में दिखाएंगे सारा, बट फिलहाल साउथ में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, खूबसूरत तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब जितना बोले ना उतना कम है। ये देखिए आप जो पहाड़ टाइप के हैं कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है। वैसे एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि जैसे लोग बहुत ऐसे सुनसान से बीचेस ढूंढते हैं, बट अगर मैं सच्ची में बताऊं, शायद हम लोग मानसून में आए हैं इस वजह से, बट अगर आप मानसून में आते हैं तो आपको हर बीच ही इतना खाली मिलता है कि कुछ कहने को नहीं। और अगर मैं कंफर्ट के हिसाब से, जहाँ पे सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं और आपको बहुत ज़्यादा ना भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट मेरे को अभी तक पालेलम लगा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है और यहाँ पे सब कुछ है अभी, और शैक्स वगैरह भी खुली हैं जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, इतना ज्यादा अच्छा पानी है, ये ठंडा भी है यार, ये थोड़ा ज्यादा ठंडा पानी बहुत नहीं है। बढ़िया है। कितना रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड करा है यहाँ पे, मैं सच्ची में बता रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं ना तो आप थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर के ही आइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना करने के लिए भी बहुत कुछ है, वो भी हम आपको बताएंगे, बट उसके अलावा ना बीच पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीच है, यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करने में ना आपको मज़ा आ जाएगा। है ये ना सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे इसकी ये लगी है, जो है ना ये एकदम ऐसे प्लेन है और पानी यहाँ यहाँ तक आता है, कितनी दूर आपको दिख रहा होगा बट वो यहाँ यहाँ तक आता है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पानी इंजॉय कर सकते हैं, और ये मानसून होने के बावजूद भी ईजिली लोग पानी में जाके इंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था आपको कि यहाँ चेंजिंग रूम भी है, तो लोग बहुत सारा यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मतलब यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ एक्चुअली यहीं से शुरू होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बटरफ्लाई बीच, हनीमून बीच के लिए जाना हो तो यहीं से आपको बोट मिल जाती है, जिसका 1500 फॉर टू रेंट है, हमने पूछा, अभी तो फिलहाल बंद है क्योंकि 3 महीने बंद होती है, जस्ट फॉर मई जून जुलाई एंड अगस्त एज वेल, सॉरी 4 मंथ्स, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, बट हम तो नेक्स्ट मंथ कहीं और होंगे, लेकिन आप अगर आए तो आप इसको जरूर इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बैक वाटर पे बोटिंग भी होती है, जो कि बहुत अच्छा है, और वो हमारे को, क्योंकि हमने सब अभी पूछा था, तो वो हमारे को बता रहे थे कि वहाँ पे वो ईगल को खाना खिलाते हैं, तो वहाँ पे एक ही जगह पे आपको बहुत सारी ईगल मिल जाएंगी, जैसे कि मतलब 100-150 ईगल जो कि एक साथ खा रही हैं, उड़ रही हैं ऐसा करके, और पूरा बैक वाटर पे वो 45 मिनट्स का बोटिंग होता है, तो वो पूरा करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके भी प्राइजेज जो हैं वो 1500 फॉर टू हैं,
जो कि आप मस्त अपना एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब इस भी समय भी ओपन है, अगर हाँ। इस समय भी अगर करना चाहे तो, हम नहीं कर रहे हैं बट अगर कोई करना चाहे तो वो कर, हाँ, सकता, है। कर सकता है। तो ये अच्छी एक्टिविटी है जो कि हाँ। अभी भी अवेलेबल है। बहुत मजे आ रहे हैं हमें यहाँ पे, और लिटरली जो पीस है ना यहाँ पे, हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम एक्चुअली ट्रॉपिकल्स में है, बिकॉज सब तरफ हमें पहाड़ दिखते हैं, वो भी लश ग्रीन। तो मतलब बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। ड्रोन शॉट लिया था मैंने अभी, तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था, मतलब पूरा एरिया ही। एक तो यहाँ पे जो ये जो पीछे जो ये वाले जो पहाड़ है ना, ये कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बीच बीच में निकले हुए जो हैं, और आसपास भी एकदम पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं, तो मतलब ना एकदम अलग सा ही है, पहाड़ भी हैं, बीचेस भी हैं, एकदम अलग एटमॉस्फेयर है। अभी हम लोग फिलहाल, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है मुझे, क्योंकि अब तो भाई चल के पहले कहीं शैक्स में बैठेंगे हम, यहाँ पर बहुत सारी शैक्स खुली हुई हैं, तो हम कहीं पर बैठ के कुछ बढ़िया खाएँगे और देखते हैं कहाँ पे कहाँ बैठते हैं, क्या है सीन, दिखाते हैं आपको। कहाँ मैं वेजिटेरियन, कहाँ ये पक्का नॉन वेजिटेरियन, ये भगवान। तो अभी मैंने यहाँ पे ये मैकरल फिश ली, इतनी ज़्यादा सस्ती बेच रहे थे ये लोग, मैंने कहा भाई फिश तो मुझे लेनी भी थी आज बनाने के लिए, तो मैं ले लेता हूँ। 100 रुपीज़ में 10 फिश दिए हैं, मुझे तो लग रहा है ये कुछ वेट से डेढ़ किलो से ऊपर ही होगा यार ये। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। कितने सारे लोग बेच रहे हैं यहाँ पे मछली, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एकदम फ्रेश मछली हम लोग ने भी ले ली है आज, बेहतरीन। पैन फ्राई गार्लिक बटर फिश पैन फ्राई बनेगी आज जबरदस्त तरीके से। खेल हो रहा है। No. अलग खेल हो रहा है। मजा आ रही है इनको भी। अभी हम लोग जा रहे हैं शैक की तरफ, यहाँ से दिख रहा है कि कैफे सिल्वर स्टार, देखते हैं कैसा है, कुछ खाते पीते हैं फटाफट से चल के, यार बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ जी, पेट भर गया। पहले हुई पेट पूजा, अब होगा काम दूजा, जिसको कहते हैं शॉपिंग। तो भाई अभी हम लोग ने पिज्ज़ा खाया, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो कुछ हैवी खाने का मन होता था, तो हमने कहा कि भाई पिज़्ज़ा खा लेते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा पेट बढ़िया हो जाएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ देखने यहाँ की मार्केट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है, हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोग ने देखा था। हमने एक चीज़ और भी यहाँ नोटिस करी है कि यहाँ पे खाने का जो प्राइस है ना, ये कंपैरेटिवली नॉर्थ गोवा से काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल साइड है, बिकॉज हमने जितना भी यहाँ पे स्पेंड किया वो था 850 रुपीज़, और जो कि बहुत ही रीजनेबल है, ट्रस्ट मी, बिकॉज अगर आप नॉर्थ गोवा जाएंगे ना तो आपको इसका डबल या ट्रिपल भी प्राइस पड़ सकता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। नहीं, ये तो है कि प्राइस वाइज भी साउथ जो है वो ज़्यादा रीजनेबल है और अच्छा भी है, मतलब क्राउड भी ओवर क्राउडेड नहीं है। नॉर्थ में कोई कोई जगह तो वो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, स्पेशली कौन सी जगह, कैलंगूट एंड कैंडलम। कैलंगूट तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, जो बात है। फिलहाल चलते हैं कुछ बढ़िया शॉपिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ की मार्केट कैसी है। मस्त है यहाँ पे, काफ़ी कुछ मिल रहा है, टी भी मिल रही है यहाँ पे, अलग अलग तरीके की। क्या मिल रही? गुआवा टी, ग्रीन टी, ये टी, वो टी, ड्रेसेस। हमने अभी रास्ते में देखा एक गेस्ट हाउस जिसका नाम था वसुंधरा गेस्ट हाउस, और हमने पूछा कि उसका प्राइस क्या है, जस्ट फॉर आर नॉलेज, और हमने सोचा हम आपको भी बता दें। तो उसका प्राइस है, इनके पास दो तरीके के रूम्स हैं, दोनों एसी रूम्स हैं, जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द बीच। और इसका प्राइस है, जो बालकनी वाला रूम है वो है 1500 का, और जो नॉन बालकनी वाला रूम है वो है 1200 का।
और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द बीच है, तो इसलिए हमने सोचा हम आपको बता दें, एक ऑप्शन भी है आपके लिए कि अगर आप कभी आते हैं और आपको जैसे बीच के पास ही रहने का देख रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और हम लोग इसका जो हमने क्योंकि उनसे बात करी थी तो हम लोग उनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो अगर आपको कभी आना हो, बुकिंग करना हो, तो आप अपना कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे देखने में तो अच्छा था, थोड़ा नया सा ही बिल्डिंग लग रही थी बनी हुई, तो अच्छा ही होगा मुझे लगता है। इस पूरे एरिया में ना जितना मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूम आराम से 1000 से लेके 2000 तक की रेंज में, क्यों है ना, मतलब डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का है आपको मिल जाएगा। गाय आ गई थी मेरे सामने। गाय ने वो तो अपना रास्ता बदलेंगी नहीं, हमने ही बदल लिया। अब ये फिलहाल हम लोग ये मार्केट में घूम रहे हैं, काफी अच्छी मार्केट है यहाँ की, देख लो आराम से देख लो। नो शूज अलाउड, चप्पल उतारो पहले। तो मैंने फाइनली ये ड्रेस ले ली एक, और ये मुझे मिली 300 रुपीज़ की। भैया 380 बोल रहे थे बट 300 में दी उन्होंने। हम पहले भी शॉप पे आ चुके हैं और मैंने यहाँ से शॉर्ट्स और एक ड्रेस और भी ली थी, आप आगे की वीडियोस में आप मुझे उसके साथ देख पाएंगे। बट बहुत ही रीजनेबल प्राइस है एक्चुअली, क्योंकि आप अगर किसी ऐसी जगह आते हैं और आप यहीं से शॉपिंग करके यहीं पे अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कराना चाहें तो बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइसिंग पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आती है कुछ भी ना शॉपिंग करने के में, भले ही वो 300 रुपीस की क्यों ना हो, चीज़ अच्छी होनी चाहिए बस। सारा फन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापसी अपने रूम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज आगे भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली है हमारी इस रोड ट्रिप टू साउथ इंडिया की जर्नी से। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय।